गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। अर्धचालक आपको बताना चाह रहा हूँ। अर्धचालक मतलब वही कि जिसमें धारा रुक रुक के बहती है। तो चालक वो होता है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिसमें सबसे अच्छा सोना, चांदी, उसके बाद तांबा, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं पंखे वगैरह में वाइंडिंग करने के लिए, पीतल होता है, फिर एल्यूमिनियम सबसे सस्ता होता है, जस्ता, टंगस्टन। इसके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कुचालक वही लकड़ी है आपका, जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा बोहर साहब ने बताया 2n² से। तो इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कक्षा पूरी रहेगी, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे नहीं, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसे हम कुचालक के अवचालक कहते हैं। अर्धचालक उसे कहते हैं कि ना तो अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक होते हैं। तो इसमें धारा बहने पर ये रुक रुक के धारा बहते इसमें बहती है, इसे अर्धचालक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, जिसकी बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन जर्मेनियम के भी, सिलिकॉन के भी। तो ऐसा तत्व तो जब इसमें मिलाया जाता है तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपनी बाहरी कक्षा में जर्मेनियम के साथ बोरान मिला दीजिए तो बोरान का भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और सिलिकॉन के साथ आप कुछ मिला दीजिए जिसकी बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इस अशुद्धि मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि वो जो है अपने अपने कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 तत्व मिले हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि मिला देती है, इसका प्रतिरोध इससे घट जाता है, और इसका उपयोग जो है अक्सर डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में काम आता है। निज अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम निज अर्धचालक कहते हैं। इनकी बाहरी कक्षा पे देखिए, इसमें 32 है, तो 2, 8, 18 और 32, 2n² के हिसाब से चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन में पहली 2, दूसरा 8, 2n² से, और आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ये मुक्त होते हैं, और ये दूसरे अशुद्धि जब मिलती है बोरान वगैरह इसके साथ, तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों मिल के 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। और अर्धचालक में और बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे कि आर्सेनिक मिलाया जाता है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला पदार्थ जब मिलाते हैं तो बाह्य अर्धचालक इसे कहेंगे, जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी। और 3 संयोजकता वाला जब मिलाएंगे, 5 मिलाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा बहेगी, और जब 3 संयोजक तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। और जब 3 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे एल्युमिनियम या बोरान अगर आप मिलाएंगे, सॉरी मैंने पीछे बताया बोरान में 4 होते हैं, लेकिन बोरान में बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम में भी 3 होते हैं, तो इन्हें आप मिलाएंगे उनके साथ जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ, तो वो 3 तो बना लेंगे अपना संयोजकता बंद, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी रहती है, जिसे हम होल कहते हैं या क्वार्टर कहते हैं, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो 2 तरह के आपके बन जाते हैं अर्धचालक। तो इसे हम एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रहती है, और पी टाइप जिसमें कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रहती है। तो जिसमें अधिक मतलब एन टाइप में जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी अगर मिला देते हैं तो 4 तो वो बंध आपस में बना लेंगे, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह स्वतंत्र रूप से फ्री रहता है, इसलिए हम इसे एन टाइप कहेंगे। और पी टाइप का अगर आप देखें तो पी टाइप का अर्धचालक होगा, तो देखिए इसमें 4-4 इलेक्ट्रॉन सब जगह बन जाता है, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है क्वार्टर में, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इन समूह के पास 4 रहते हैं, तो ये चारों तरफ से मिला लेते हैं, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है।
तो इसे हम पी टाइप का रिटर्न कहते हैं, और इसे हम इस प्रकार का कोटर अस्थायी सहसंयोजक एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, तो यह धन आवेशित हो जाता है, इसीलिए हम पी टाइप पॉजिटिव कहेंगे, और उसे हम चूँकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है तो इसे हम एन टाइप कहेंगे। और इसके अंदर छोटे क्वेश्चंस और हैं तो वो भी आपको हम बता देंगे। अर्धचालक की चालकता जो है ताप बढ़ने से बढ़ती है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं इसके अंदर। डायोड क्या होता है और डायोड वाल्व का सिद्धांत क्या होता है, पहले तो आप तापायनिक उत्सर्जन जाने। थॉमस एल्वा एडिसन जो साहब थे, इन्होंने क्या किया कि एक इस तरह का आपका वाल्व लिया और इसमें एक टंगस्टन की धातु ली, इसको बैटरी से कुंजी लगा के बैटरी से गर्म करके हाई वोल्टेज में जोड़ा, तो प्लस को इन्होंने इधर प्लेट की तरफ से जोड़ दिया, तो जब टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो ये प्लेट की तरफ निश्चित रूप से जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें धारा का प्रवाह, चूँकि अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, इस तरह से वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा और अमीटर सीरीज में लगाया जाता है, ताकि धारा का प्रवाह नाली में, जिस तरह से नाली है तो उसमें इसको पता चल सके। तो ये आपका अमीटर जो है इसमें विक्षेप दिखाई देने लगा, तो इसी को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, मतलब ताप द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें जो धारा बहती है उसे हम तापायनिक धारा भी कहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप इसको कितना ही गर्म करेंगे तो वो उसमें अंदर धारा बढ़ती नहीं है। इसे आप अगर ग्राफ में आप बना के देखें तो ये अनोमीय परपथ होता है, क्योंकि ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो इसे आप ताप कितना हो बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से ऐसे बढ़ते 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 सीधा हो जाता है, तो ओम के नियम का पालन करता तो सीधे जाता, लेकिन ये अनोमीय परपथ है, इस तरह से जाता है ये, और एक समय ऐसा आता है कि उस पर धारा नहीं बढ़ती है, तो वहाँ पर उसे हम संतृप्त धारा भी कहते हैं। और ये अक्सर पूछ देता है कि रिचर्डसन की समीकरण बताइए, तो आई बराबर ए टी स्क्वायर ई घाते माइनस बी आब्लिक टी, इसे याद कर लीजिएगा, इसे प्रोफेसर रिचर्डसन ने बताया था, तो ये अक्सर समीकरण पूछ देता है कि इनका समीकरण बताइए। और एक और पूछता है वोल्ट्समैन का तापायनिक समीकरण क्या होता है, तो ये भी आपका एक वोल्ट्समैन का तापायनिक समीकरण है, इसको भी याद रखिएगा, मैं पेज में आपको दे दूँगा। और उसके बाद डायोड वाल्व क्या होता है, डायोड वाल्व में कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक कैथोड आपका जुड़ जाता है, ये देखिए इधर तापायनिक उत्सर्जन में ये कैथोड इसलिए जोड़ दिया जाता है निगेटिव से, ये निगेटिव से जुड़ा रहता है, अर्थ मतलब निगेटिव है। हाई टेंशन की बैटरी, देखिए वोल्टमीटर समानांतर में लगाया गया है, मिलीमीटर पैरेलल में, तो कैथोड का यही अर्थ होता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन गर्म होकर निकलते हैं तो वो कैथोड पे इकट्ठा होते हैं और प्लेट पर पहुँचने में इनको आसानी होती है, तो ये आपका ऊपर चले जाते हैं। तो इनका अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाने को आता है, तो ये इसका प्लेट धारा और प्लेट विभव के बीच में बनता है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो एक समय ऐसा आता है कि कितना हूँ आप ताप देते जाएं तो वो आपका वोल्टेज, कितना हूँ आप बढ़ाते जाएं वोल्टेज तो इसमें धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे वोल्टेज को हम स्तब्ध वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, जिसमें प्लेट धारा कितना हो बढ़ा दें, प्लेट धारा शून्य भी हो जाती है तब भी इसके अंदर जो है वो वोल्टेज आपका स्तब्ध वोल्टेज कहलाता है। और इसका उपयोग अक्सर हम वही एसी को डीसी बनाने में, रेक्टिफायर करने में इसका उपयोग करते हैं। और आप अगर आगे देखें तो संधि डायोड किसे कहते हैं, आते समझिए, संधि डायोड पूछता है, तो पी टाइप और एन टाइप को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम पीएन संधि कहते हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ है पी और एन, बीच में अवक्षय परत होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं, तो इसे हम पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। और इसको अगर हम आगे बढ़ के देखें और, तो ये दो प्रकार से जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस
अग्र अवनत का मतलब ये होता है कि पी को पी से जोड़िए बैटरी से और यन को यन से जोड़िए, तो इसमें धारा का प्रवाह यन से पी की तरफ होता है, ये देखिए। और इसका वोल्टेज भी वही आपका, इस तरह से ग्राफ भी बनता है आपका ऐसे, ये आपका अग्र अवनत है। और रिवर्स बायस जिसे कहते हैं, मतलब वही बैटरी की दिशा आप उल्टा कर दीजिए, तो जब बैटरी की दिशा उल्टा कर देंगे तो पी से निगेटिव जुड़ जाता है, यन से पॉजिटिव जुड़ जाता है, यन प्लस की तरफ चलने लगता है, पी यन की तरफ चलने रहता है। तो ये देखिए इस तरह से ग्राफ बनता है आपका ऐसे। तो ये आके एक तरफ से वोल्टेज कितना बढ़ाते जाएँ तो फिर वोल्टेज नहीं, धारा नहीं बढ़ती है, तो इसे हम भंजक वोल्टेज कहते हैं। ऐसा इस -10 पे जाके आपका ऐसा वोल्टेज सीधे भागता है, कितना धारा आपकी नहीं बढ़ती, यहाँ से थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन एक समय आएगा कि इसमें नहीं बढ़ती है। और पीएन संधि और डायोड में अंतर यही है कि पीएन संधि चूँकि कांच का बल्ब का होता है और डायोड सॉलिड होता है, और ये आकार में बहुत बड़ा होता है, ये आकार में छोटा होता है, ये महंगे होते हैं, ये सस्ता होता है डायोड आपका। और आगे आप इसमें देखें तो दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि आपसे पूछता है, अक्सर पूछ देता है अर्ध तरंग दिष्टकारी बताइए। तो अगर ये ट्रांसफार्मर है आपका, ये सेकेंडरी है, 220 वोल्ट इधर देंगे, इधर धारा आएगी, मान लीजिए स्टेप डाउन आप यूज करते हैं तो बैटरी इन्वर्टर में, तो ये इधर से जब धारा बहेगी तो इसके अंदर से तो पास हो जाएगी, लेकिन उल्टी दिशा में जब दूसरा चक्र एसी का चलेगा तो उल्टी दिशा में जाएगी, तो उल्टी दिशा में डीसी नहीं बनती है। तो ये आप देखिए, ये एसी एक साइकिल अगर आप देखें तो पहली साइकिल बन जाती है, दूसरी साइकिल नहीं बनती, फिर अगली साइकिल में एक का डायोड के कारण बन जाता है, दूसरे का नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अगर एक डायोड लगा दें तो उसे हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपका बना हुआ है, इधर भी लगा दिया डायोड, इधर भी लगा दिया। तो पहली धारा जब बहेगी ये धारा, तो आप आराम से देखेंगे कि इधर से आपको एक धारा जब बहेगी तो इसके अंदर पहली डीसी आपको प्राप्त होगी, और दूसरा जब आप चक्र आएगा तो ये डायोड काम करेगा D2 वाला, और D1 उल्टी दिशा में डायोड अपने धारा को नहीं बहने देता है, तो दूसरी दिशा में फिर आपको डीसी प्राप्त होगी। ये अक्सर पूछता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ बनाइए, ग्राफ बनाइए और इसके कार्य को लिखिए। और इसे हम फुल वेव रेक्टिफायर या कहते हैं, और इसी को हम ब्रिज रेक्टिफायर में भी देखते हैं, जो हमारा आजकल LED बल्ब में लगा रहता है। तो इसमें आप ज़रूर बनाइएगा, इसमें कैपेसिटर भी लगा रहता है, रेजिस्टेंस भी लगा रहता है, ये फिल्टर का काम करता है। तो फिल्टर का काम ये है कि कोई भी अगर AC का पार्ट इसके अंदर जा